पता है विश्वास और अंधविश्वास में सबसे भारी अंतर क्या है? जो इंसान किसी चीज पर विश्वास करता है ना, वो बेवकूफ नहीं होता, और अंधविश्वासी इंसान ज्यादातर बेवकूफ होता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक मनगढ़ंत बात समझ लो। चलो मैं आपसे कहूं कि दोपहर के 12 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक आपको टीवी ऑन नहीं करना, कंप्यूटर ऑन नहीं करना, मोबाइल ऑन नहीं करना, यूट्यूब नहीं देखना, फेसबुक नहीं देखना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर की जो बरकत है वो चली जाएगी। क्या ये चीज पॉसिबल है? आप लोग कहेंगे ये क्या बेवकूफाना बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों में मानते हैं और वो ये सोचते हैं एक घंटे की तो बात है, एक घंटे में क्या हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम इधर थोड़ी देर रुक जाते हैं, अगर हम एक घंटे रुक गए तो क्या पता घर की बरकत यहां पे बनी रहे। वो एक घंटा रुकना ही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिर आप दिन प्रतिदिन उस जाल में फंसते ही चले जाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो भाई आगे मत बढ़ो, या फिर घर से जो है दही वगैरह खा करके जाओ तभी काम अच्छा होगा। जो लोग दही खाकर नहीं जाते क्या उनका काम अच्छा नहीं होता? या फिर जिन लोगों का बिल्ली रास्ता काट जाती है क्या वो लोग मर जाते हैं? लेकिन अंधविश्वासी इंसान इन बातों में बहुत आसानी से मानता है। इनका कोई प्रमाण नहीं है लेकिन लोग इन चीजों में मानते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही अंधविश्वास से जुड़ी हुई है, जिसने यहां पर एक लड़की की जिंदगी को इतना ज्यादा बर्बाद करके रख दिया, इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया कि वो फिजिकली तो हर्ट हुई ही, फिजिकली तो उसके साथ में असॉल्ट वगैरह हुआ ही, जितना गलत हो सकता था, जो आप सोच सकते हैं दिमाग में सोच लीजिए, जितना गलत हो सकता था वो हुआ। इसी के साथ साथ वो लड़की मेंटली भी यहां पर टॉर्चर होती रही, पागल होने की कगार तक वो आ गई, सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के चलते। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो भाई बिहार के एक गांव की बात है, अब मैं गांव यहां पर मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि यहां पर मेरे को मना किया गया है। तो बिहार के एक गांव की बात है, वहां पर एक जगह पर एक अफवाह फैली थी कि इस गली से गुजरना नहीं है, चाहे दिन का वक्त हो चाहे रात का वक्त हो, इस गली से मत गुजरो, क्योंकि इस गली में जो एक मकान है, फलाना मकान है, मान लीजिए मकान नंबर 35, इसमें एक लड़की रहा करती थी जो चुड़ैल है, और अगर आप यहां से जाएंगे तो शायद से उसका प्रकोप आपके ऊपर पड़ जाए और वो आपकी जिंदगी को तहस नहस कर दे। अब वो गली अगर छोटी सी होती तो बात समझ में आ भी जाती, वो गली कुछ ऐसी थी कि अगर आपको गांव में जाना है तो वहां से होकर के जाना पड़ेगा, नहीं तो रास्ता लेना होगा काफी ज्यादा लंबा। तो लोग वहां से जाते नहीं थे, अक्सर कुछ कुछ लोग वहां से जाया करते थे, लेकिन वो घर जो था वो खाली पड़ा था, उस घर में कोई नहीं था। जो वहां से मुसाफिर गुजरा उसने यही कहा, घर में कोई नहीं है और यहां पर कोई दिक्कत भी नहीं। धीरे धीरे करके लोग वहां पर जाने लगे और ये बात आई गई सी हो गई कि ये घर जो है इधर एक चुड़ैल का यहां पे बसेरा है। अब यहां पर कहानी की शुरुआत होती है देव नाम के एक लड़के से। देव बिहार का ही रहने वाला था, रहने वाला है भी मतलब, तो वहीं पर वो रहते थे। और एक जगह पर एक बात और फेमस थी कि भाई ये जो गांव है ना, इस गांव के आसपास एक जंगल टाइप का, जंगल भी नहीं आप समझ लीजिए, काफी ज्यादा हरियाली थी उस जगह के आसपास जो उस गांव की बाउंड्री थी बेसिकली। तो कहा जाता था कि उस जंगल के आसपास से शाम के वक्त में मत गुजरो, क्योंकि वो जो चुड़ैल है ना जिसका वो घर था वो अब यहां पर रहती है और कई लोगों ने उसकी चीख सुनी है, तो इस जंगल से होकर के जो रोड जाती है वहां से ना गुजरा जाए। देव जो था वो इन सब बातों में इतना नहीं मानता था, मानता था पर इतना नहीं। तो एक बार देव को वहीं से होकर के जाना था, तो देव ने अपने माँ बाप को ये बात बताई कि भाई मुझे इस जंगल से, फलाने जंगल से होकर के जाना है, और वो गांव जो है वहां से मैं होकर के जाऊंगा, लेकिन उस गली से होकर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं लंबा रास्ता यहां से ले लूंगा, लेकिन वो गांव तो मुझे पार करना ही है। घर वालों ने उसे काफी रोका और उसे कहा कि भाई अल्टरनेटिव रास्ता जब है तो तुम वहां से होकर के चले जाओ। तो देव ने बस यही बात बोली कि भाई वो रास्ता लंबा पड़ेगा और इसलिए मैं यहां से होकर के जाना चाहता हूं। घर वालों के सामने उसकी ज्यादा चली नहीं, घर वालों ने कहा अगर जाना है तो उसी रास्ते से जाओ, जंगल से होकर नहीं जाना। उसने कहा ठीक है भाई, मैं आपकी बात को तवज्जो दे देता हूं, मैं नहीं जाऊंगा वहां से होकर के। मगर देव ने सोचा आज मैं एक बार जाकर के देखता ही हूं कि कौन सी ऐसी चुड़ैल है जो यहां पर चीखती है और यहां पर लोगों को मारने की कोशिश करती है। कई लोगों ने ऐसा कहा है
कि उसके कपड़े जो हैं सफेद हैं, और वो चीखती है, कभी तो मदद के लिए बुलाती है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें मार दे। कोई मरा नहीं, किसी के साथ कोई दुर्घटना भी नहीं हुई, बस एक चीख सुनाई देती थी। इससे लोग डर जाते थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि कहीं पर वो लड़की किसी मदद के लिए किसी को ना पुकार रही हो, चीख रही हो, तो कुछ यहाँ पर मदद उसे चाहिए हो। बस चुड़ैल वाली बात फेमस थी, तो उसको चुड़ैल से जोड़ करके देख लिया। देव वहां से गुजरा, आज अपनी गाड़ी को बहुत धीरे धीरे चला रहा था। उसने सोचा एक बार देखते हैं कि आखिर मामला है क्या, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वहां से वो गुजरा, पूरी रोड खाली थी, पूरी रोड। दिन के वक्त में कोई वहां पर नहीं, सब लोग दूसरे रास्ते से आते जाते थे। गली वाली बात तो भाई आई गई सी हो गई थी, वहां पर तो लोग अब जाने लग गए थे, क्योंकि वो चुड़ैल का घर जो था उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जंगल जो था, इसकी बात काफी फेमस। वो अपनी जीप में था और वो अपनी जीप को यहां पर चला रहा था। अचानक से उसने देखा कि जो जंगल है वो काफी घना हो गया, और उस घने जंगल के अंदर उसे लेफ्ट साइड से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। ये बात नकली नहीं थी या मनगढ़ंत बनाई हुई नहीं थी, लोग जो बात बोलते थे वो बात सच थी। यहां पर किसी के चीखने की आवाज तो उसे आई, लेकिन वो चीख की जो आवाज थी ना, वो गुस्से भरी नहीं थी। वो ऐसी थी कि वो लड़की दर्द में करहा रही हो और मदद मांग रही हो, क्योंकि इंसान अगर चीखेगा तो गुस्से में चीखेगा, अलग तरीके से वो चीखेगा। लेकिन वो लड़की जो थी वो इस तरीके से चिल्ला रही थी जैसे उसे मदद चाहिए। उसने अपनी गाड़ी को और स्लो किया, उस लड़की की फिर से चीखने की आवाज आई। अब देव ने ठान लिया कि मैं जाकर के देखता हूं कि आखिर मामला है क्या। उसके मन में जो पहला ख्याल आया वो यही था कि कहीं यहां पर किसी औरत को मारा पीटा तो नहीं जाता, रिचुअल के चलते किसी को मारा जाता हो, किसी की बलि दी जाती हो, कोई यहां पर इतना बड़ा ग्रुप तो इन्वॉल्व नहीं है यहां पे जो ये सारी हरकतों को अंजाम देता हो। उसका सोचना गलत नहीं था। वो उतरा गाड़ी में से, अपनी गाड़ी उसने पार्क करी और जंगल की ओर जाने लगा। अब चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही थी, वो इतना घना जंगल था कि उस रोड से आप देख नहीं सकते कि उधर क्या चल रहा है, कहां से बस आपको आवाज आ सकती है, लेकिन वो घर या फिर वो जगह कैसी है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो चलता गया, कुछ यहां पर वो चला होगा मुश्किल से मुश्किल 20 मीटर। इसके बाद में एक बार फिर से चिल्लाने की आवाज आई, और वो चिल्लाने की आवाज जो थी वो तेज थी, मंजिल के वो मतलब अपने करीब पहुंच रहा था। थोड़ा वो और आगे गया तो उसने देखा यहां पर एक व्हाइट कलर का मकान है, कंप्लीट व्हाइट कलर का मकान है, जिसकी एक दो ईंटें जो हैं वो गिरी हुई हैं। जैसे होता है ना, मकान को अगर ढंग से यहां पर मेंटेन ना किया जाए, मकान भी कहना उसको गलत होगा, एक तरीके से आप उसको बैरिक कह लीजिए, वो था। उसका जो गेट था वो भिड़ा हुआ था, आधा खुला हुआ था आधा भिड़ा हुआ था, और यहां पर उसे किसी इंसान के पैर दिखाई दिए। पैरों में थे जख्म, इसी के साथ साथ पैरों में थी बेड़ियां। इसका मतलब साफ था कि उस शख्स को यहां पे बांधा गया था, इसीलिए वो निकल करके जा नहीं सकता था। तो वो आगे बढ़ा, और पहले तो उसके मन में थोड़ा बहुत डर था भी कि यहां पर कोई मामला सीरियस ना हो। उसने गेट को खोला तो अभी तो रोशनी वगैरह हो रही थी, और जानते हैं आपके जंगल में ज्यादा रोशनी आती नहीं। उसने देखा एक लड़की जो सफेद गाउन में यहां पे पड़ी हुई है, गाउन आधा फटा हुआ है उसका, और नीचे से जो उसका गाउन है वो बिल्कुल फटा हुआ है, और उसका जो गाउन है वो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ पेट तक का ही है, नीचे का जो कपड़ा है वो बस लटक रहा है, नाम मात्र ही है वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को ढक भी नहीं रहा, एक तरीके से वो सेमी न्यूड थी यहां पे। जैसे ही देव ने इस चीज को देखा उसकी हालत खराब हो गई, उसे समझ नहीं आया कि ये लड़की आखिर है कौन। मैंने इसे कभी देखा नहीं, लेकिन ये बात पक्की थी कि वो जिंदा थी, और दूसरी बात ये थी कि वो चुड़ैल या डायन नहीं थी, क्योंकि अगर वो ऐसी होती तो उसके पैर मुड़े हुए होते, उसके पैर सीधे थे। वो लड़की यहां पर सो रही थी, चिल्ला चिल्ला करके सो गई होगी शायद वो। इसी के साथ में एक मटका पड़ा हुआ था और यहां पर पानी। देव वहां पर गया, उसका कंधा पकड़ा और उसे थोड़ा सा हिलाया तो वो जागी, और जाग करके वो बहुत तेज चिल्लाई, और ऐसे चिल्लाई कि जैसे वो देव को यहां पे मार देना चाहती हो। वो बहुत तेज चिल्लाई, लेकिन जैसे ही वो भागी, भागने के साथ में ही वो अचानक से फ
फर्श पर गिरी क्योंकि उसके पैर बंधे हुए थे। टीम ने उसको देखा तो उसके चेहरे पर यहाँ पर मार्क्स थे, कई जगह से खून निकल रहा था और वो चोटें जो थी वो ताजा थी, मतलब साफ था कि कोई आया था और इसे ये जख्म देकर गया। अचानक से वो लड़की जो इतनी अग्रेसिव थी, मुंह के बल गिरते ही वो चुपचाप एक कोने में सिकुड़ करके बैठ गई और यहां पर रोने लगी। देव के लिए ये बिहेवियर काफी स्ट्रेंज था क्योंकि अभी तो एक इंसान इतना ज्यादा अग्रेसिव और अभी वो इतना ज्यादा सहमा हुआ और वो देव को बिल्कुल सहमी हुई नजरों से अपने घुटने के अंदर उसने अपना मुंह छुपा लिया। उसको अंदाजा भी नहीं था कि उसके कपड़े यहां पे फटे हुए हैं। उसने बहुत सहमी नजरों से देव की तरफ देखा, आंखों में उसके आंसू थे और वो दोबारा से यहां पर अपना मुंह अपनी टांगों के बीच में छुपा करके बैठ गई। देव गया और उसके कंधे को पकड़ा और उसे थोड़ा सा सहलाया तो वो लड़की और घबरा गई। लेकिन देव ने उसे कहा, देखो मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं आया, मैं तुम्हें इस जंजाल से आजाद कराने आया हूं। तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन और ये सब कुछ तुम्हारे साथ में किया किसने। वो लड़की किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, बिल्कुल वो सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। इसी के साथ में वो जो घर था ना, उसके अंदर एक बाथरूम भी था जो यहाँ पे सड़ा पड़ा था, लेकिन उसके अंदर उसने लड़की ने जो था फ्लश वगैरह किया हुआ था। इंडियन स्टाइल बाथरूम था वो, फ्लश वगैरह किया हुआ था। इसका मतलब ये था कि वो लड़की साफ सफाई को पसंद करती थी, बस वो नहाई हुई नहीं थी और उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर में से बदबू तो आ रही थी, लेकिन वो अपनी तरफ से जितनी सफाई यहाँ पर मेंटेन कर सकती थी वो उसने की थी। बाथरूम में से ऐसा नहीं कि बहुत स्टिंकी स्मेल आ रही हो, लेकिन कमरा यहाँ पर जो था वो बदबूदार था। तो यहाँ पर देव ने उससे और पूछने की कोशिश करी, वो कुछ बताने को तैयार नहीं। अब देव समझ चुका था कि यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल काली है, मतलब मामला पूरा घुमा हुआ है। इस औरत को किसी ने चुड़ैल बना करके या चुड़ैल बोल करके यहाँ पे फंसाया है। वो अभी भी किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। देव उठे और उठ करके अपनी कार की तरफ चले गए। अब इस वक्त पे कोई इंसान होगा तो वो मुड़ करके देखेगा कि एक इंसान जा रहा है तो क्या पता वो मेरी मदद कर सके। वो लड़की देख भी नहीं रही थी, उसको उम्मीद थी ही नहीं। देव यहां पर भागते हुए अपनी कार की तरफ गए। उनके पास में कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ था, बर्गर वगैरह वो लेकर के चला करते थे। वो दो बर्गर थे उनके पास में, दोनों बर्गर वो लेकर के आए और उस लड़की के सामने उन्होंने उसे रख दिया और बहुत तमीज से रखा, जैसे एक नॉर्मल इंसान को खिलाया जाता है वैसे ही। उस लड़की ने फटाफट से वो दोनों बर्गर खा लिए, बहुत ज्यादा भूखी थी। इसके बाद में उन्होंने उसको पानी भी ऑफर किया जो वहीं पड़ा हुआ था, वो पानी भी उसको पिलाया। अब जाकर के वो लड़की नॉर्मल हुई और अब जाकर के वो बताने को तैयार हुई कि उसके साथ में आखिर हुआ क्या है। उसने बताया उसका नाम है श्रेया और उसने यहां पे MBA करी हुई है। वो गंवार नहीं थी, जाहिल नहीं थी। इसी के साथ में एक बात और बता दूं कि वो लड़की जो थी ना वो सुंदर थी, इतने सारे मार्क्स थे उसके चेहरे के ऊपर, इतने हफ्तों से या महीनों से वो नहाई हुई नहीं थी, लेकिन वो लड़की सुंदर थी। इसी के साथ में एक शॉकिंग बात और सुनना, उसका जो कमरा था ना उसे आप अंदर से लॉक कर ही नहीं सकते थे, मतलब कि वो चटकनी जो होती है जिससे आप कमरे को अंदर से लॉक करें वो थी ही नहीं। वो चाह करके भी लड़की अपने आप को बंद नहीं कर सकती थी, या अगर वो सुसाइड करना चाहती तो ऐसी कोई चीज वहां पर नहीं थी जिसके चलते वो सुसाइड कर सके। और जो भी आदमी उसको टॉर्चर करता था वो दिन या दो या तीन दिन के अंदर आता था उसकी हालत देखने के लिए। उन्होंने आगे पूछा, तो श्रेया तुम्हारे साथ में क्या हुआ और तुम यहां पर कैसे फंसी? तो श्रेया ने बताया कि हमारे गांव में एक विक्टर नाम का लड़का रहता था, उसके यहां पर थे तीन दोस्त। विक्टर जो था वो काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी फैमिली की रेपुटेशन बहुत अच्छी और विक्टर की भी। नहीं तो ऐसा होता है कि अमीर फैमिली के बच्चे ज्यादातर बिगड़े हुए होते हैं या फिर ये कहा जाता है कि भाई ये तो आवारागर्दी वगैरह करता है। नहीं, विक्टर की इमेज बहुत अच्छी थी और उसके दोस्तों की भी। विक्टर लेकिन जैसा दिखता था वो वैसा था नहीं, हाथी के दांत खाने के कुछ और थे और चबाने के कुछ और। विक्टर यहाँ पे श्रेया से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा, कॉलेज के वक्त से वो जानता था और श्रेया ये बात जानती थी कि विक्टर जो है उस पे लट्टू है। अब श्रेया ऐसी लड़की नहीं थी कि पहले तो हाथ पकड़े और उसके बाद हाथ झटक दे। उसने कभी भी विक्टर को वो फ्रीडम दी ही नहीं कि जिसके चलते विक्टर ये कह सके कि भाई इस लड़की ने मुझे प्यार में धोखा दिया। शुरुआत से ही उसने ये कह दिया था कि देखो विक्टर, मैं जानती हूं
तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और इसीलिए मैंने इस दोस्ती को आगे बढ़ाया नहीं। कल को तुम ये ना सोचो कि भाई कि पहले तो दोस्त दोस्त बोल के हाथ पकड़ लिया और अब यहां पर जो है साफ बच के निकल रही है। श्रेया ने एक बात पहले ही बोल दी थी, वो पहले जानती थी कि उसको क्या करना है। विक्टर ने उसको काफी मनाने की कोशिश करी और ये कहा कि देखो तुम प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, मेरे पे पैसे की कमी नहीं है ना, मैं ऐसा कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, तुम बहुत सुंदर हो मैं मानता हूँ, लेकिन तुम मेरे से शादी कर लो, आखिर दिक्कत क्या है मुझ में। उसने कहा दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक इंसान की रजामंदी नहीं है तो नहीं है ना, इसमें जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। ये बात विक्टर को कितनी खटक जाएगी इस बात का अंदाजा श्रेया को नहीं था। अब जो श्रेया के जो पेरेंट्स थे ना वो काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे और वो ये चीजों में विश्वास करते थे कि अगर किसी ने कोई बात बोल दी तो इसका मतलब है कि भाई उस बात में कोई ना कोई दम होगा। और उन्होंने और वो काफी सारे यहाँ पे पंडित वगैरह के चक्रों में फंसे भी हुए थे। लेकिन विक्टर जो था वो ये बात जानता था कि अगर मैं श्रेया को यहाँ पे फ्रेम करूंगा तो कोई भी माँ बाप इतनी आसानी से तो नहीं मानेंगे कि भाई इनकी बेटी जो है ये काला जादू या फिर चुड़ैल वगैरह ये सब कुछ है, वो तो नहीं मानेंगे इन सब बातों में। तो उसने यहाँ पर क्या करा, उसके घर के बाहर हर बार, यहाँ पर जब भी पूर्णिमा होती थी हर बार कुछ खून पड़ा हुआ मिलता था। अब वो खून कौन डाल करके जाता था ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब उसको ये बात पक्की है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ विक्टर ही करता था। हर बार ऐसा होता गया और कई बार गांव के लोगों ने देखा था कि यहाँ पर श्रेया के घर के बाहर में खून पड़ा हुआ है, लेकिन कोई मांस का टुकड़ा या फिर कोई जानवर वगैरह नहीं। धीरे धीरे करके ये होने लगा कि अब कि वहां पर हड्डियां मांस के टुकड़े ये सब कुछ भी पड़े हुए मिलने लगे। यहां तक भी बात नहीं रुकी, गांव वाले आकर के पूछते तो थे कि भाई आखिर ये चक्कर चल क्या रहा है तुम्हारे घर के बाहर में और तुम लोग कुछ करते वरते तो नहीं हो। तो घर की पूरी तलाशी ले ली गई, उन लोगों को कुछ नहीं मिला, वो लोग तो भगवान में मानने वाले लोग थे, तो गांव वालों के पास में भी कोई सबूत नहीं था। अब तो आलम ऐसा हो गया कि एक बकरी का कटा हुआ सर जो था वो भी उनके घर के बाहर उनको मिला और ये भी उनको पूर्णिमा की रात में मिला। तो एक बार उन्होंने सोचा कि हम लोग यहां पर जाग करके देखते हैं कि आखिर ये काम करके जाता कौन है। तो वो लोग यहां पर जागे हुए थे और वो लोग जो थे घर के बाहर ही यहां पर टहल रहे थे। तो विक्टर ने यहां पर अपना दिमाग लगाया, उसने गांव वालों को ये बात बोली कि देखो वो लोग जो है ना वो लोग जाग रहे हैं और वो किसी जानवर की यहां पर बलि वली देना चाहते हैं और ये जो फैमिली है ना इसके अंदर जो लड़की है श्रेया ये सारे काम करती है क्योंकि मैंने इसको पिछली पूर्णिमा पर भी देखा था। अब उसने कभी देखा नहीं था ये करते हुए और किसी ने भी नहीं देखा था, लेकिन गांव के जब चार पांच लोगों ने देखा कि वो लोग सचमुच जागे हुए हैं, उनके घर की लाइट जल रही है रात के 1:30 बजे के आसपास, तो वो समझ गए कि ये लोग ही हैं जो जानवरों की यहाँ पे बलि वगैरह देते हैं और ये लोग जो है यहाँ पे टोने टोट के करते हैं। इसी के साथ में कई बार विक्टर ने ऐसा किया कि जो सामने का जो घर है या फिर आस पड़ोस के जो घर है वहां पर लाल मिर्ची का जो धुआं होता है उसको छोड़ दिया। कई लोग जो टोटका वगैरह करते हैं तो लाल मिर्ची का वो लोग यूज करते हैं, वो तक भी वहां पर छोड़ दिया। अब कड़ी से कड़ी जोड़ने में लोगों को देर नहीं लगी, लोग ये बात समझ गए, लोग आकर के उनके पूरे परिवार को खत्म करना चाहते थे, बहुत आसानी से वो उनके परिवार को मार देते। लेकिन यहां पर विक्टर आया और उसने कहा अंकल आंटी जो है ना ये तो मेरे माँ बाप के जैसे हैं, इन लोगों की कोई गलती नहीं है, ये लोग तो ये सब कुछ करते भी नहीं। उन्होंने कहा हाँ बेटा हम तो ये करते भी नहीं और श्रेया भी ऐसा नहीं करती, पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। उसने कहा अंकल श्रेया ही ये सब कुछ करती है, आपको अंदाजा तक नहीं है ये औरत क्या क्या करती है, इसने इतनी धमकियां मुझे दी है कि मैं तुझे जान से मार डालूंगी, इसी के साथ साथ जो मेरा दोस्त है रवि उसको भी इसने बहुत मारा है, उसके पैर पे चोट लगी हुई है। अब उसके पैर पे चोट किसी और वजह से लगी थी और नाम उसने श्रेया का लगा दिया। वैसे ही गांव वाले भड़के हुए थे, वो इस बात में मान ही गए और घर वाले जो थे वो भी कहीं ना कहीं अब अपनी बेटी पर शक करने लगे। उसने और भी बातें यहां पर बोली, मनगढ़ंत बातें यहां पर बोली, श्रेया बोलती रह गई कि मेरी गलती नहीं है, मैं जानती नहीं हूं कि आखिर ये सब कुछ है क्या। लेकिन आखिरी में सभी लोगों ने फैसला कर दिया कि ये औरत जो है ये जीती जागती चुड़ैल है और ये ही ये सब कुछ कर रही है। तो उसके जो माँ बाप थे वो तो भाई फटाफट से उस घर को छोड़ करके चले गए और उन्होंने अपनी बेटी को कह दिया कि हमारे लिए तू मर चुकी है और हम तेरे से कोई भी ताल्लुकात रखना नहीं चाहते। बेटी चिल्लाती रही,
मेरी गलती नहीं है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार थे ही नहीं। इसके बाद में उसने एक यहाँ पे अघोरी को बुलाया, उसने यहाँ पर कुछ पूजा पाठ वगैरह करी और वो खरीदा हुआ था, विक्टर ने उसको खरीद रखा था, उसने यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करी और उसको यहाँ पर उस घर के अंदर बांध दिया, मारा पीटा उस औरत को, गांव वालों ने देखा था और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। तो आपको याद है मैंने शुरुआत में कहा था कहानी के कि वो घर जो था, कहा जाता था कि उस गली से मत निकलो, वो घर चुड़ैल का घर है और वहां पे लोगों को उसकी प्रेजेंस फील होती है। ऑल दो वहां पर कोई रहता नहीं था, लोगों ने उस गली में आना जाना ही छोड़ दिया था, उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी वहां पर। उसके साथ में बहुत गलत चीजें होती थी, ऐसी चीजें जो एक औरत कभी भी अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहेगी, बहुत कुछ उसके साथ में हुआ। फाइनली विक्टर शायद ये बात समझ चुका था कि अगर गांव में रहते हुए इस लड़की के साथ में हमने ऐसा किया तो किसी ना किसी दिन हम लोग पकड़े जाएंगे। उसने उस लड़की को यहां पर उसी घर में शिफ्ट कर दिया जहां पे वो जंगल में पाई गई थी। अब ये जंगल वाली बात जो थी ये पूरे इलाके में आसपास फेमस हो गई कि उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, वो शायद मर चुकी है और अब वो उस जंगल में भटकती है, क्योंकि उस जंगल के आसपास पीपल के बरगद के पेड़ भी थे, लोगों ने ये बात भी जोड़ दी कि भाई यहाँ पर चुड़ैलें पाई जाती हैं अक्सर, तो लोगों को समझने में ज़्यादा देर लगी भी नहीं, उन्होंने कहा हाँ भाई ऐसा हो सकता है। लेकिन वो घर जो था वो नॉर्मल था, ये बात पक्की थी। अब लोगों ने उस जंगल वाले रास्ते से आना जाना बंद कर दिया, सिर्फ एक देव ही था जो वहां पर गया था और उसने उस लड़की की हालत देखी। उस लड़की ने ये तक भी कहा कि मैं भूख के चलते अपना ही जो वेस्ट होता है ना उस तक को भी, ये सब कुछ भी उसने किया है। और वो कहती थी कि वो तीनों दोस्त, विक्टर और उसके जो तीन दोस्त बाकी के थे, वो आते थे मेरे साथ में गलत काम करते थे और इतना गलत करते थे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। उस लड़की के जो पैर थे ना उस पर बर्न मार्क्स थे, उसने ये बताया कि अभी कल ही वो लोग आए थे और मेरे सर को उन्होंने यहाँ पे दीवार पे दे करके मारा था 3-4 बार जब मैंने रेसिस्ट करने की कोशिश करी कि मैं तुम्हारा यहाँ पे साथ नहीं दूंगी। वो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना खिलौना समझते हैं, वो मुझे मरने नहीं देंगे लेकिन वो मुझे तिल तिल करके मारेंगे, मेरी आत्मा को कितनी चोट पहुंची है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। इसी के साथ में उसका जो बिहेवियर था ना, मतलब मेंटली तौर पे मैंने कहा था ना उसको बहुत इफेक्ट किया गया, वो कभी कभार पागलों जैसी हरकत भी कर रही थी, जैसे अचानक से जो कीड़ा हुआ उसको उठा करके मुंह में उसने डाल लिया देव से बात करते हुए, अब नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं वो मेंटली भी इफेक्टेड हुई थी, ज्यादा नहीं लेकिन हुई जरूर थी, वो बात अलग है कि उसको काउंसलिंग से ठीक किया जा सकता था। अब विक्टर की जो फैमिली थी वो यहाँ से US शिफ्ट हो चुकी थी, विक्टर यहाँ पे रहता था, सिर्फ इंडिया में विक्टर ही रहता था, उसकी फैमिली US में शिफ्ट हो चुकी थी उस गांव से निकल करके। तो देव ने इधर सोचा भी था कि मैं विक्टर की फैमिली से यहाँ पे बात करूं, लेकिन बाकी के जो तीन दोस्त थे उनकी फैमिली तो यहीं पर रहती थी, उसी गाँव में रहती थी। तो यहाँ पर पहले तो उसने उसकी बेड़ियाँ वगैरह खोली, वो लड़की जो थी उसकी टांगे बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, उसको लेकर के वो हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल वाले भी देख करके हैरान हो गए कि आखिर इस लड़की के साथ में हो क्या रखा है। उन्होंने उसकी मरहम पट्टी वगैरह करी, उसके यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस भी चले और वो लड़की फाइनली ठीक हुई। उसके माँ बाप कहाँ गए ये उसको आज तक नहीं पता, उसको नहीं पता, शायद वो मर गए होंगे क्योंकि इन बातों को पूरा 1 साल बीत चुका था, 1 साल से उसके साथ में ये सब कुछ हो रहा था। उसने और भी बहुत सी बातें बताई हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकता हूँ। शायद आप लोग डार्क वेब या डीप वेब के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार इसके बारे में सर्च ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो हम इंटरनेट चलाते हैं वो यहाँ पर सरफेस वेब है और वो बहुत कम होता है। असली जो इंटरनेट होता है जिसके अंदर सब कुछ हो सकता है, आप किसी हिटमैन को हायर करके किसी का मर्डर करवा सकते हैं, लोग यहाँ पर रियल टॉर्चर देखते हैं डार्क वेब के ऊपर पैसे दे करके। उस तरीके की घटिया चीज़ें उन्होंने करी थी उसके साथ में, उसकी गर्दन यहाँ पर आधी कटी हुई थी, इसी के साथ साथ जो उसकी लास्ट वाली उंगली थी ना वो तक भी टूटी हुई थी, उन्होंने उसको मोड़ इतना ज़्यादा दिया था कि वो टूट चुकी थी। इसलिए मैं इसके आगे और कुछ नहीं बताना चाहता, बहुत गलत गलत उसके साथ में हुआ था, उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ में भी बहुत कुछ हुआ था, तो ये चीज़ जो है मैं शेयर नहीं करूँगा आपके साथ में। उसके बाद में कुछ 6 महीने तक उसका इलाज चला, वो लड़की नॉर्मल हो गई। विक्टर के पेरेंट्स तो पहले ही यहाँ पर जा चुके थे, विक्टर कहाँ चला गया इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है, आज तक नहीं है, विक्टर गायब हो चुका है। इसी के साथ में वो तीन दोस्त जो उसके थे वो भी गायब हो चुके हैं, वो रातों रात कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि वो वापस आए हों उसी जंगल में
उसी जो है बैरक के अंदर वो आए हों और उस लड़की को उन्होंने वहां पर ना पाया हो तो वो यहां पर निकल करके भाग गए हों, क्योंकि अब उनकी चोरी पकड़ी जाती, वो लोग यहां पर भाग गए थे। लेकिन जो विक्टर के बाकी तीन दोस्त थे उनके परिवार वाले तो रहते थे उस गांव में, वहां पर देव गया और जाकर के पूरी बात बताई। उन लोगों ने पहले तो ये बात मानी नहीं, लेकिन जब देव ने यहां पर बहुत फोर्स किया और उसने ये कहा कि मैं कायदे कानून की मदद लेकर के आपके बच्चों को यहां पर फंसाऊंगा और आप लोगों को भी फंसाऊंगा, तो वो लोग यहां पर कहीं ना कहीं मान गए कि शायद उनकी तरफ से गलती हो सकती है। अभी भी शायद ही था, पक्का अभी भी नहीं था कि गलती हमारी तरफ से ही है। वो मान गए क्योंकि उन्होंने श्रेया की हालत यहां पर देखी कि श्रेया के साथ क्या क्या हुआ था, और उसके बाद में श्रेया 6 महीने के बाद आई थी वापस गांव में, तो देखा उन्होंने और उनको लगा कि शायद हमसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि श्रेया अभी बिल्कुल नॉर्मल ही बिहेव कर रही थी जैसे वो पहले करती थी। उनसे पूछा गया फैमिली मेंबर से कि तुम्हारे बच्चे कहाँ गए भाई, तीनों तुम्हारे लड़के जो थे वो कहाँ गए। उन्होंने कहा कि वो लड़के जो हैं ज़्यादातर मुंबई, दिल्ली या इसी के साथ साथ पुणे में रहते हैं और शायद वहीं वो लोग रहते हों, तो वहाँ पर भी वो लोग गए। मुंबई के घर पे भी नहीं थे वो, दिल्ली के घर पे भी नहीं थे, ना पुणे के घर पे थे। अब वो कहाँ चले गए, उनके मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश की गई तो ट्रेस करने पे पता लगा कि लास्ट लोकेशन जो थी वो मुंबई की ही थी, और ये जो मोबाइल था उनका ये आज से 3 महीने पहले डीएक्टिवेट हो चुका है। कहाँ गए वो, लापता हो गए, किसी को नहीं पता। आज भी वो शायद छुप करके बैठे हुए हैं और वो शायद कभी लोगों की नज़रों के सामने नहीं आएंगे। ये सारी बातें हुई, श्रेया तो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो देव को अपना भगवान मान चुकी थी, क्योंकि देव ही था जिसने उसे बचाया था। अब श्रेया के पास कोई ठिकाना नहीं था रहने का, और कहीं ना कहीं वो देव को यहाँ पर पसंद भी करने लग गई थी, क्योंकि देव 6 महीने से उसके साथ में था। देव ने अपने घर वालों को ये सारी बात बताई और उसने ये कहा कि ये लड़की जो है ये अब मेरे साथ ही रहेगी, मैं इससे शादी करूँगा, ये मुझे पसंद करती है और कहीं ना कहीं मैं भी। घर वाले माने नहीं, वो भी ऑर्थोडॉक्स थे, उन्होंने कहा नहीं, क्या पता ये लड़की सचमुच चुड़ैल हो। और तुम सोचो वो चारों लड़के कैसे गायब हो गए, इसी लड़की ने तो किया होगा, और ये चुड़ैल है, तुझे जिंदा खा जाएगी ये, तू अभी समझ नहीं रहा, चुड़ैल की ताकत होती ही ऐसी है, बिस्तर पे जब वो तुम्हारे साथ होती है ना तो तुम्हें ऐसा मजा आता है कि वो किसी औरत के साथ नहीं आ सकता। एक बार तू इसके साथ फिजिकल होगा ना तो तू इसका गुलाम बन जाएगा। लेकिन देव को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था, उसने कहा अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो बहुत खुशी की बात है, शादी तो मैं इसी से करूंगा। घर वाले माने नहीं, लेकिन देव ने उससे यहां पर शादी करी। अब वो समझ चुका था कि वो स्टेट में बिहार में नहीं रह सकता, फाइनली वो दिल्ली लेकर के उस लड़की को आ गया। और आज इन बातों को 8 साल बीत चुके हैं, वो लड़की कंप्लीटली नॉर्मल है, देव की हालत भी कंप्लीटली नॉर्मल है, उनका एक बेबी भी है, और आज तक भी वो लड़की देव को अपना भगवान मानती है। उसने यही माना है कि अगर देव वहां पर नहीं होता तो शायद वो लड़की ऐसी ही घुटती रहती और ऐसे ही घुट घुट के वो मर जाती। ये जो स्टोरी मैंने सुनाई इससे कुछ थोड़ी मिलती जुलती आपने कहानी देखी होगी, एक मूवी आई थी 2011 में हॉन्टेड 3D, जिसके अंदर कहानी अलग थी कि वो एक आत्मा थी और उसके साथ में एक दूसरी आत्मा ही उसको असॉल्ट करती थी, लेकिन यहां पर एक जीता जागता शख्स था जिसके साथ में ये सारा कारनामा हो रहा था। लेकिन दुख की बात पता है क्या है, आज तक भी देव के पेरेंट्स ने उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया, और देव भी यही चाहता है कि वो लोग ना ही करें, क्योंकि ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली में वो अपनी वाइफ को लेकर के नहीं जाना चाहता। अब ऐसा अंधविश्वास जो है, ये सब चीजें जो है, ये पहले भी चलती थी, आज भी चलती हैं। आपको याद होगा 1829 में सती सिस्टम जो था वो बैन करवाया था राजा राम मोहन रॉय ने, जब औरत का पति मरे तो औरत को जिंदा जला दो, ताकि इससे जो है पति और औरत हमेशा साथ में रहे और आदमी की जो इधर है ना उसकी आत्मा को शांति मिले। तो इस तरीके की चीजें बहुत होती आ रही हैं और आगे भी होती जाएंगी, और ये सारी चीजें जो है, दुख की बात यही है कि अभी तक हम लोग इन सब चीजों से उभर नहीं पाए हैं। देखते हैं भाई कब ऐसा होता है, और ये तो एक केस है श्रेया का जो यहाँ पे सामने निकल करके आया भी, ऐसी ना जाने कितनी औरतें हों जो सचमुच यहाँ पे मर चुकी हों इन सब चीज़ों के चलते, इन सब अंधविश्वास के चलते। एक ऐसी केस था कि पता नहीं कौन सी वो कंट्री थी, फॉरेन कंट्री थी, वहाँ पे कहा जाता था कि वो लड़की जो है वो चुड़ैल है, तो उसके मुँह पे यहाँ पे पानी डाला गया, 4 दिन तक लगातार पानी डाला गया, वो लड़की जो थी डूब करके मर गई। मतलब डूब करके कैसे मर गई मैं बताता हूँ आपको,
उसको लगातार यहाँ पे पानी पिलाया जाता, उसका मुंह खोल के पानी उसके अंदर डाला जाता। इतना पानी उस लड़की की बॉडी में जा चुका था कि उसके जो लंग्स थे उनमें पानी भर गया और वो लड़की यहां पर अपने घर में ही मर गई। अब अगर कोई आदमी डूब करके मरता है तो हम ये कहते हैं तालाब में डूबा, इधर समुद्र में डूबा, लेकिन उसके घर वालों ने ही उसको यहां पे मार डाला सिर्फ एक शक कि ये लड़की जो है यहां पे पोजेस्ड है। तो इस तरीके की चीजें हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी बहुत ज्यादा होती हैं, और सैड पार्ट यही है कि ये चीजें आगे भी होती रहेंगी। तो ये थी आज की कहानी। आप मुझे बताइए आपको ये कहानी अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहां पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजे तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो बस यही थी। जल्दी मिलता हूं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।